घटना आती है। कहिंदे एक मां अपने बच्चे नूं ना रोजाना बचपन तो ही गुरबाणी नाल जोड़दी है। बच्चे का जन्म होया जिवें जिवें बच्चा वड्डा हुंदा गया मां ने अपने पुत नूं गुरबाणी नाल जोड़ना। जिवें जिवें सुरत संभालदा है ना पुत मां दा, मां उन्हूं जपजी साहब दे लड़ लाउंदी है, पुत जपजी साहब का पाठ कर। आम तौर पर साडे घरां च भी मावां बड़ियां ने जिहड़ियां अपने बच्चियां नूं कहिंदियां ने पुत पाठ कर ला। कई मावां इदां दियां वी ने बच्चियां नूं गोदी च बिठा के केस वाहुंदियां ने, नाल बाणी पढ़ाउंदियां ने, नाल इतिहास सुणाउंदियां ने, नाल अपने वड्डे योधियां दी गल करदियां ने। एक गल याद रखियो, जिहड़ियां मावां अपने बच्चियां नूं चंगी सिक्ख्या दे जाणगियां उहनां दे बच्चे बड़े महान बन जांदे ने, ते जिहड़ियां मावां ने बच्चे दे केस वाहुण लगियां ने ला के गाने जां फोन फड़ा तां लै टिकिया रहूगा, माफ करियो कुछ कु समां लंघेगा बच्चियां ने गाने सुन के माड़ियां चीज़ां वेख के उदां दे बन जाणा। हुण मां दा बच्चा है ते बच्चे दा नाम है पूर्ण सिंह। एक है भगत पूर्ण सिंह, पर ये पूर्ण सिंह होए ने प्रोफेसर पूर्ण सिंह, जिन्हां दा सिख इतिहास विच बड़ा वड्डा जिक्र आउंदा है। जदों प्रोफेसर पूर्ण सिंह दी जीवनी पढ़दे आ ना, बड़ी महान जीवनी है प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी दी, जिन्हां ने कौम दी खातर बड़ियां किताबां लिखियां, बड़ा इतिहास लिखिया, बड़ियां खोजां कीतियां। उन्हां दे जीवन दी एक निक्की जी घटना मैं आप संगतां दे नाल सांझी कर रहा। पूर्ण सिंह हजे निक्की जी उम्र दा सी ते मां ने अपने पुत नूं जपजी साहिब दा पाठ सिखाया, ते रोजाना अपने पुत नूं कहिंदी है पुत पाठ कर लै। हुण बच्चा हुंदा जे मां ने कहता कर लिया, कई बारी नहीं भी करना, पर मां अपने पुत नूं रोज़ कहिंदी है। जदों उठिया पुत इशनान कीता, पुत बाणी पढ़ ली, पूर्ण सिंघा जपजी साहिब दा पाठ कर लिया, जपजी साहिब पढ़ लिया। कहिंदा हाँ जी माता जी, मैं जपजी साहिब दा पाठ कर लिया। रोजाना माता ने अपने पुत नूं पुछना। हुण जदों रोज़ मां पुछदी है, कदे कदे पूर्ण सिंह खिज भी जांदा, कहिंदा माता मैं रोज़ पाठ करदा है, रोज़ बाणी पढ़दा है, ते तूं मैनूं रोज़ ही पुछण लग पैनी है। मां कहिंदी पुत मैं तां पुछदी हां कदे तेरे चेते चो रब भुल ना जाए, कदे तू भुला ना दई रब नूं, किते ना होवे कि तू जपजी साहिब तो बिना ही अपनी जिंदगी नूं जीउण लग पए। जिवें जिवें पूर्ण सिंह वड्डा हुंदा गया, मां ने अपने पुत नूं जपजी साहिब दे लड़ लाया ही लाया। कदे कदे पूर्ण सिंह नूं पता कि मेरी मां रोज़ पुछदी है, उन्हें बाणी पढ़नी, उच्ची उच्ची बाणी पढ़नी ते अपने मां नूं भी सुनाउणी, कोल दी लंघना तुरदे फिरदे ने भी जपजी साहिब पढ़ी जाणा, पर मां ने फिर पुछ लेना पुत पाठ कर लिया। कहिंदा माता मैं तेरे सामने उच्ची उच्ची जपजी साहिब पढ़दा सी, तू फिर मैनूं पुछी जांदी आ, पुत मैं वैसे ही पुछ लिया कि तू पाठ कर लिया। समां लंघदा गया, पूर्ण सिंह पढ़ाई च बहुत होशियार सी। कहिंदे स्कूल दी पढ़ाई पूर्ण सिंह ने पूरी कर ली, ते विदेश दी धरती ते पढ़न वास्ते जाना सी। उन्हां समयां दे विच कोई ज़्यादा साधन नहीं हुंदे सी देशां विदेशां विच जाण दे, ते विरले विरले ओह चुने जांदे हुंदे सी जिहड़े पढ़ाई च होशियार होण ते होर अग्गे पढ़ाई करन वास्ते विदेशां दी धरती ते जाण। पूर्ण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई तो अगे की पढ़ाई करने वास्ते जर्मन की धरती ते जाना सी। हुण जदों सारियां तैयारियां हो गई जाण दियां, कपड़े पैक कर ले, पासपोर्ट लै लिया, जो उधरली करंसी है सब कुछ लै लिया, पूर्ण सिंह पूरा तैयार है, जाण तो एक दिन पहला मां पुछदी है फिर पूर्ण सिंह नूं, पुत कुछ भुल तां नहीं गया? कहिंदा माता जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की मैनूं लोड़ सी ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪੈਕ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ।
अगले दिन जाना है विदेश की धरती से। मां फिर पूछती है, कहिंदी पुत पूर्ण सिंह एक बारी फिर देख लै, कुछ रहता नहीं गया? कहिंदा मां मैं अपने हथी आपका सारा समान पैक किया, नहीं कुछ रहा। हुण अगला दिन चढ़दा है, जिमें दिन चढ़िया पूर्ण सिंह ने विदेश की धरती से जाना, मां है परिवार है सारा, इन्होंने नेड़े दे स्टेशन पर चढ़ाउन जाना है। ते जदों घरों तुरन लगे ना, मां ने एक बारी फिर पूछया, कहिंदे पुत कुछ रहता नहीं गया, सब कुछ लै लिया? कहिंदा मां मैं तैनू वार वार कही जाना, मैं सारा कुछ लै लिया, नहीं कुछ रहा, तू क्यों मैनू वार वार पूछ रही है? ते स्टेशन ते पहुँच गए। हुण स्टेशन तो ट्रेन चढ़ना सी, ट्रेन तो वड्डे शहर जाके अगे जहाज फड़ना सी। हुण स्टेशन ते मां ते पुत सारा परिवार पूर्ण सिंह नू चढ़ाउण वास्ते पहुँच गया। ट्रेन आ चुकी है स्टेशन ते। हुण पूर्ण सिंह ने अंदर जाना है, मां ने बांह फड़ी पूर्ण सिंह दी, फिर पुछया, कहिंदी पूर्ण सिंह कुछ रहता नहीं गया? कहिंदा मां जे हुण कुछ रह भी गया होएगा ना, ट्रेन आ गई है, टाइम हो गया है, हुण नहीं कुछ लियांदा जाना। मां कहिंदी तेतों नहीं लियांदा जाना पुत। मां कोले ने एक झोला सी, आम तौर पर मामा दे कोल कोई पर्स कोई बैग कोई झोला हुंदा ही है। मां कोले एक झोला सी, ते मां ने उस झोले दे विचों जपजी साहब की पोथी कढ़ी। जपजी साहब की पोथी गुटका साहब कढ़ के कहिंदी है, पुत मैं तेनू वार वार पुछ रही सी, कुछ रहता नहीं गया? पुत आ जपजी साहब की पोथी तू भुल आया सी, जपजी साहब की पोथी रह गई सी, मैं तां तेनू पुछ रही सी, आ फड़ जपजी साहब की पोथी अपने कोल रख, जपजी साहब का पला ना छड़ी अपनी जिंदगी दे विच, हमेशा जपजी साहब नाल जुड़िया रहे। पूर्ण सिंह ने पोथी फड़ ली, ट्रेन च चढ़ गया, ट्रेन तो अगे जहाज ते चढ़िया ते जर्मन की धरती ते पहुँच गया। हुण कहिंदे जदों पढ़ाई करन वास्ते पूर्ण सिंह जर्मन विखे पहुँच गया, उत्थे पहुँचे होए ने अपने बैग चों जपजी साहब की पोथी कढ़ी, जिथे रख दिती उत्थे पई रह गई। उस तो बाद पूर्ण सिंह ने जपजी साहब की पोथी नहीं चकी। पढ़ाई च बहुत हुशियार होने करके पढ़ लिख गया। कहिंदे उन्हां समयां च ना पूर्ण सिंह ते सन्यासियां दा प्रभाव पै गया। सन्यासियां ने, क्योंकि जिहड़ा पढ़िया लिखिया बच्चा हुंदा ना, जिहड़ा पढ़ाई च हुशियार होवे, जिदे अंदर कुछ करन दा जज्बा होवे, उहनूं अज भी साढ़े इदां दे हालात ने कि जिहड़ा बच्चा पढ़ाई च तेज होवे, पढ़ाई च हुशियार होवे ना, हरेक कौम चाहुंदी है कि इस बच्चे नूं किसे ना किसे तरीके नाल मैं अपने वल खिंचा। माफ करियो, किसे नूं दुख लगे, मैं बेनती जरूर करनी चाहवांगा, अज साढ़े समाज दे विच सिखां दे बच्चियां नूं ईसाई मत वालियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते घेरिया होया। अज ईसाईयत वाले सानू एक कोठा बनाउण दा लालच दे रहे ने, जे किसे दी छत नहीं, छत पाउण दा लालच दे के ईसाई बना रहे ने। अज उन्हां अपने वड्डे वड्डे स्कूल खोल ले, वड्डे वड्डे ट्यूशन सेंटर खोल ले, उन्हां स्कूलां दे विच उन्हां ट्यूशन सेंटरां दे विच साढ़े पंजाब दे साढ़े सिखां दे बच्चियां नूं कहिंदे है कि दाखल कराओ, इन्हां नूं असीं फ्री पढ़ावांगे। उन्हां स्कूलां च जिथे उन्हां ने दुनियावी पढ़ाई कराउणी है, उत्थे उन्हां बच्चियां नूं अपने ईसाई मत दा सब कुछ सिखाउणा है कि जिहड़े पढ़न वाले ने, जिहड़े हुशियार ने, जिन्हां दे दिमाग चलदे ने, उन्हां नूं असीं अपने वल खिंच लईए। ये बड़ी वड्डी खिचोतान है। अज भी अज साडे बच्चे देशां दीआं विदेशां दीआं धरतीआं ते आईलैट्स करके पढ़ लिख के जांदे पए ने। अज साडे पंजाब दे विच हालात इदां दे पैदा हो चुके ने कि साडे अपने बच्चे इत्थे काम करन नूं तैयार नहीं। अज प्रवासी आ के पिछले चार पंज दिनां दा किड्डा वड्डा राम रौला जिहड़ा पंजाब च प्रवासियां वाला चल रिहा है। जे पंजाब दी गल करिए ना, पंजाब नूं वड्डे पद्धर ते चार छफेरिओं मार पै रही है जी। अज ये सानू समझण दी लोड़ है, निक्कियां निक्कियां गल्लां।
अज जुल्म हो रहा अज तक्का जिहड़ा भी चाहुंदा है चाहुंदा कि पंजाब नूं किसे ना किसे तरीके नाल लुट्टिया जावे पंजाब दे बच्चियां नूं नशेड़ी बनाया जावे अज हर एक 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 घर की कहानी नशे की जिहड़ी दर है ना पंजाब अंदर कल्ले कल्ले घर तक पहुँच चुकी है अज चिट्टे की नामराद बीमारी पंजाब दे कल्ले कल्ले घर अंदर वड़ चुकी है अज हालात इदां दे बनदे जा रहे ने साढ़े इन्हां सारियां चीज़ां नूं सानूं बड़ी गौर नाल समझना पैना अपने इतिहास नाल अपने विरसे नाल जुड़ना पैना जे महान बनाउणा ते मैं गल ये कर रहा सी विचों चलो विशा आ गया कि जिहड़े लायक हुंदे ने जिहड़े कुछ करन वाले हुंदे ने जिन्हां की सोच उच्ची हुंदी है जिन्हां का दिमाग चलदा उहनूं हर एक ही खिंचण की कोशिश करदा है साडे वल आ जाए हुण पूर्ण सिंह बड़ा तेज सी बड़ा हुशियार सी सनातन मत वालियां ने पूर्ण सिंह नूं अपने प्रभाव च खिच लिया सनातन मत वालियां ने पूर्ण सिंह नूं सन्यासी बना लिया पूर्ण सन्यासी बन गया टाइम लंघदा गया समा लंघिया पूर्ण सिंह सन्यासी बनिया वापस इंडिया आया मां नूं क्योंकि उन्हां समयां च टैलीफोन जां होर साधन नहीं सी मां नूं इन्ना पता सी कि फलानी तरीक फलाने दिन नूं मेरे पुत पूर्ण सिंह ने उसे स्टेशन ते वापस आउणा जिहड़े स्टेशन तों मैं अपने पुत नूं चढ़ा के आई सी हुण पुत वापस आया मां स्टेशन ते पहुंची हुई है ट्रेन रुकी है ट्रेन तों सारे यात्री उतर गए ट्रेन चली गई मां खड़ी देखदी है मेरा पुत नहीं दिस रिहा मां खड़ी देख रही है कोल खड़ा पूर्ण सिंह अपनी मां दे हसी जांदा कहिंदा मां लगदा तू मैनू पछाणिया नहीं कहिंदी कौन कहिंदा मैं पूर्ण सिंह जदों मां ने इन्या लफ्ज सुनिया मां दीआं ताहां निकल गईआं कहिंदी पुत जिहड़े जपजी साहिब नूं मैं तेरी बांह फड़ाई सी ना तू जपजी साहिब छड़ता तू मेरा पुत नहीं रहा मां ताहां मारदी है कोल खड़ा पूर्ण सिंह हसदा कहिंदा मां देख सन्यास विच मेरी अवस्था किन्नी उच्ची बन गई है तू रो रही है तेरे रोण दा प्रभाव भी मेरे जीवन ते नहीं पै रहा मैं किन्ना सन्यासी हो गया ते मां कहिंदी है पुत मैं इस गल तो नहीं रो रही कि तू सन्यासी बन गया जां मां यह कह रही है कि पुत मेरी परवरिश च कमी हो सकती है पर जेड़े बाबे नानक दी बाणी दे लड़ मैं तैनूं लाया सी ना उहदे च कोई कमी नहीं है जेड़ी जपजी साहिब नूं मैं तेरा पल्ला फड़ाया सी ना उस जपजी साहिब दे अंदर कोई घाट नहीं है मां कहिंदी पुत कोई गल नहीं मैं जपजी साहिब नूं गुरु नानक नूं पुछांगी की घाट रह गई सी जपजी साहिब दी बाणी च मेरा पुत सिखी छड गया मां अपने पुत नूं वापस घर नहीं लैके गई स्टेशन ते छड के कल्ली वापस चली गई पूर्ण सिंह फिर सन्यासियां च जा रलिया जो सन्यासियां च रलिया ये पूर्ण सिंह का नाम वड्डे वड्डे विद्वानां च आउण लग पिया क्योंकि बहुत हुशियार बहुत तेज सी पूर्ण सिंह सन्यासियां दे वड्डे वड्डे विद्वानां दे विच नाम पूर्ण सिंह का आया हुण की होया कहिंदे एक बड़ी वड्डी कानफ्रेंस जिहड़ी बड़े वड्डे विद्वानां दी हुई है जिन्हें कौम के अलग अलग धर्मां के सारे विद्वानां नूं इकट्ठियां करके एक मंच ते बुलाया गया दो तीन दिन का प्रोग्राम सारे विद्वानां नूं रहण वास्ते कमरे दिते कहिंदे कमरे थोड़े पै गए तो एक एक कमरे च दो दो विद्वानां नूं ठहराया गया हुण उन्हां समयां दे विच भाई वीर सिंह जिन्हां ने जिहड़े साहित पढ़न वाले ने जिहड़े इतिहास पढ़न वाले ने जिहड़े गुरबाणी पढ़न वाले ने उन्हां नूं पता होएगा भाई वीर सिंह कौन ने कौम दी ओह महान शख्सियत जिन्हां दी बड़ी वड्डी देन है सिख कौम दे अंदर भाई वीर सिंह सिख कौम दे महान विद्वान ने ओह भी उत्थे पहुंचे ते प्रोफेसर पूर्ण सिंह भी पहुंचिया कमाल दी गल की होई प्रोफेसर पूर्ण सिंह ते भाई वीर सिंह जी नूं एक कमरा मिलिया इक्को कमरे च इन्हां ने रात गुजारनी सी जदों पूर्ण सिंह नूं पता लग्या कि भाई वीर सिंह दा कमरा मेरे नाल है अज दी रात मैं भाई वीर सिंह नाल गुजारनी है ते एकदम हसया पूर्ण सिंह कहिंदा विद्वान है सिख कौम दा बड़ा वड्डा वीर सिंह ते रात नूं गल्लां बातां भी होणगियां
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਰੁਕੇ, ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ, ਕਿ ਬੜੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਗਤੀ ਆਈ, ਵੇਲ ਨਾ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਤਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ।
मां तेरी जपजी साहब जित गई है, मैं छड़ के जपजी साहब नूं होर किसे दे लड़ लग्या सी, पर मां मैनू अज पता लग्या कि मेरा सन्यासी पुणा हार गया ते जपजी साहब जित गई। उह कौम दे महान विद्वान प्रोफेसर पूरन सिंह, एक मां दा की रोल है ते जपजी साहब आ समुची गुरबाणी दा साडे जीवन च की रोल है, सानू इतिहासक घटना तो समझ विच आएगा।